हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। मेरा नाम है शिखर। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस के बारे में। हम देखेंगे इसमें सॉइल साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम ब्रांच देख रहे हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, पेडॉन प्लस लॉबस। पेडॉन जो होता है यूनिट ऑफ सॉइल है, और जो पेड होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल है, ये मतलब कि एक कोई पार्टिकल, और लॉबस मतलब टू स्टडी नॉलेज से कहते हैं। हम देखते हैं पेडोलॉजी क्या कहता है। स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ सॉइल की स्टडी करते हैं एज ए नेचुरल बॉडी, एंड डज नॉट फोकस ऑन प्राइमरली ऑन द सॉइल इमीडिएट पार्टिकल्स यूज। सिर्फ उनके सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं पेडोलॉजी में, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल देखें हम तो जेनेसिस मतलब सॉइल को फॉर्मेशन के बारे में, सॉइल के सर्वे के बारे में, और क्लासिफिकेशन एंड द लॉस ऑफ ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल के बारे में। फिर आता है एडिपोलॉजी। हमारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, एडिपोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? हायर प्लांट्स की। जो एडिपोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट्स। एडिपोलॉजी हम सॉइल की स्टडी करते हैं किस पे रिस्पेक्ट में? प्लांट के रिस्पेक्ट में, हायर प्लांट्स के रिस्पेक्ट में। डील विद द इंफ्लुएंस ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग्स पर्टिकुलरली प्लांट। जो एडिपोलॉजी है पर्टिकुलरली प्लांट डील करता है, इंक्लूडिंग मींस यूज ऑफ लैंड फॉर प्लांट ग्रोथ। हमारा हो गया पेडोलॉजी और एडिपोलॉजी। पेडोलॉजी में हम सॉइल की स्टडी करते हैं, एडिपोलॉजी में सॉइल के रिस्पेक्ट में हम हायर प्लांट्स की स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी क्या है? द क्वांटिटी ऑफ सॉइल दैट इनेबल्स इट टू प्रोवाइड एसेंशियल केमिकल एलिमेंट्स इन क्वांटिटीज एंड प्रोपोर्शन फॉर ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक प्लांट। ये कह रहा है कि सॉइल फर्टिलिटी कि जो भी हम एसेंशियल केमिकल एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में प्रोवाइड करते हैं फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए, उनके उनको हम कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी। फिर हमने चाहते हैं सॉइल केमिस्ट्री। ये क्या करता है? डील विद द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। सॉइल केमिस्ट्री केमिस्ट्री से ही लग रहा है कि कुछ केमिकल से रिलेटेड होगा। डील विद केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ द सॉइल इन रिलेशन टू क्रॉप नीड। क्रॉप की नीड के अनुसार इसमें सॉइल में जो भी रिएक्शन हो रही होती है, जो भी केमिकल चेंज हो रहा होता है, उसको हम सॉइल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हम देखते हैं सॉइल फिजिक्स। स्टडी ऑफ वेरियस फिजिकल प्रोसेसेस दैट आर टेकिंग इन प्लेस एंड थ्रू द सॉइल। जो भी फिजिकल प्रोसेसेस सॉइल में भाग ले रही हैं उसके अंडर में हम सॉइल फिजिक्स को अंडर में उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आती है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। डील विद द माइक्रोस्कोपिक पॉपुलेशन ऑफ द सॉइल, इट्स रोल इन वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड द इट्स इम्पॉर्टेंस इन प्लांट न्यूट्रिशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में हम बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, नेमेटोड्स, इन सब चीज़ों का डिस्कस करते हैं इसके अंदर में। जो प्लांट के लिए इम्पोर्टेंस है न्यूट्रिशन और क्रॉप प्रोडक्शन। हम नेक्स्ट पे चलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन किसे डील करता है? सॉइल कंजर्वेशन डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट फिजिकल लॉसेस बाय इरोजन एंड अगेंस्ट केमिकल डिग्रेडेशन। सॉइल कंजर्वेशन में क्या क्या पढ़ते हैं?
सॉइल की जो भी फिजिकल लॉसेज हैं, जैसे कि इरोजन, इरोजन के द्वारा, ठीक है, विंड इरोजन, वाटर इरोजन जैसे, ठीक है, या फिर केमिकल डिटेरियरेशन जो सॉइल में हो रहा है, उन सब हम सॉइल कंजर्वेशन करके पढ़ते हैं। हमने लास्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसमें हम देखेंगे सॉइल जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, द स्टडी ऑफ मोड ऑफ ऑरिजिन ऑफ सॉइल। देख रहे हैं आप क्या लिखा है, ऑरिजिन ऑफ सॉइल, इसमें हम पढ़ते हैं जेनेसिस में ऑरिजिन ऑफ सॉइल, ठीक है, विथ स्पेशल रेफरेंसेस टू द प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलम, सोलम मतलब सॉइल, या फिर इसे हम ट्रू सॉइल भी कह सकते हैं, फ्रॉम द अनकंसोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल्स, जो भी आपका पेरेंट मटेरियल है, मान लीजिए ये है आपका, तो इसके वेदरिंग प्रोसेस से जो भी सोलम फॉल हो रहा है, या फिर ट्रू सॉइल जिसे हम कह सकते हैं फॉल हो रहा है, उन सब चीज़ों को इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। सॉइल जेनेसिस, ओरिजिन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फिर हम नेक्स्ट अपने लास्ट बात करते हैं ब्रांच की, सॉइल सर्वे। सॉइल सर्वे में हम क्या करते हैं, द सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन एंड मैपिंग ऑफ सॉइल इन एन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में हम सॉइल सर्वे करते हैं कि वो वहाँ पे कौन सी एरिया का सॉइल कैसा है, जिसे हमें क्रॉप को लगाने में आसानी हो सके, इन सब चीज़ों की स्टडी के लिए हम सॉइल सर्वे यूज करते हैं। थैंक यू।